गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण और हम क्लास फोर से पाठ 17। तरह तरह के तरह तरह के पक्षी का मतलब हुआ कि हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग पक्षियों के बारे में जानेंगे। देखिए पढ़ना क्या है, चैप्टर में तरह तरह के पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, तरह तरह की चोंच। अब पक्षी अलग अलग होंगे तो उनके चोंच भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और तरह तरह के पंजे, जब पक्षी अलग अलग हैं तो उनके जो पैर के पंजे हैं या जो पैर है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, पहेली। तो आइए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, म्यूजिक सुनाते हैं और अलग अलग बर्ड्स का, अलग अलग पक्षियों का आवाज़ है, आपको पहचानना है कि कौन सा म्यूजिक कौन से पक्षी का है। कौन से पक्षी का आवाज़ है, क्रो का, किसका है, क्रो का, ठीक है। अभी जो सुनाए थे कौन से पक्षी का है, कुकू मतलब कोयल। तीसरा किसका है, पैरोट मतलब तोता। किसका है, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल। तो पक्षी अलग अलग होते हैं तो पक्षियों के आवाज़, पक्षियों के खाने पीने की आदत, उनके पंख, उनके चोंच, उनके पंजे, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए आपको पोस्टर दिखाते हैं, ठीक है, पक्षी का, और आपको पहचानना है कि कौन सा पक्षी है। ये कौन सा पक्षी है, क्या है, क्रो मतलब। ये कौन सा पक्षी है, स्पैरो मतलब गोरैया। ये कौन सा पक्षी है जी, कौन है, इंडियन डॉलर मतलब नीलकंठ, क्या हुआ। अच्छा यहाँ कौन सा पक्षी है, नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब। ये कौन सा पक्षी है, कौन सा है, टेलर बर्ड, टेलर बर्ड मतलब दर्जिन चिड़िया, क्या होता है। ये कौन सा पक्षी है, पैरोट मतलब। अच्छा इसको पहचानते हैं, कौन सा पक्षी है, कौन सा है, टेलर बर्ड, दर्जिन चिड़िया। और इसको देखें आप लोग गांव में, कौन सा पक्षी है, पिजन मतलब। अच्छा ये कौन है जी, डब, डब मतलब पंडू, क्या बोलते हैं, फाकता। और ये कौन सा है जी, स्पैरो। तो इस चैप्टर में हम लोग तरह तरह के पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए पक्षी को बोलते हैं चिड़िया भी, क्या बोलते हैं, यहाँ बिंदु दिया हुआ है। देखिए पक्षी का नाम होता है चिड़िया, खग, विहग, परिंदा, नभचर, गगनचर, मतलब समानार्थी शब्द है कि पक्षी को और कौन कौन नाम से जानते हैं। मतलब एक पक्षी को बोलते हैं नभचर भी, नभ मतलब होता है आकाश, नभ मतलब आकाश, आसमान। तो पक्षी को क्या क्या बोल सकते हैं, नभचर, बोलिए साथ साथ, नभचर, गगनचर, चिड़िया, खग, विहग, और बोलते हैं परिंदा। गांव में सुने आप लोग कि परिंदा बोलते हैं। तो पक्षी का आपको दो तीन नाम याद कर लेना है। अच्छा पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बर्ड, क्या बोलते हैं, बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, और एस लगा देंगे तो बर्ड्स, ढेर सारी पक्षी के लिए बर्ड्स। अब समझो इंडिया में एक आदमी है हुए थे जिनका नाम है सालिम अली, क्या नाम है, सालिम अली जो हैं इनको बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि सालिम अली जो है वो पक्षियों से काफ़ी लगाव रखते थे, उनके बारे में काफ़ी खोज किए हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडिया के बर्ड मैन कौन हैं, जोर से बोलिए, सालिम अली। इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को मुंबई में। जन्म कहाँ हुआ है, मुंबई में 12 नवंबर को। और इनका डेथ जो है, इनका जो मृत्यु है वो हुआ 20 जून को 1987 में। और मृत्यु भी कहाँ हुआ, मुंबई में, मतलब जन्म भी कहाँ लिए थे, मुंबई में, और इनका डेथ भी कहाँ हुआ, और इनको बोलते हैं भारत का बर्डमैन, भारत का बर्डमैन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पक्षियों के लिए बहुत सारा काम किए हैं। कौन, सालिम अली, क्या बोलेंगे, सालिम अली। कैसे लिखेंगे हिंदी में, सालिम अली। इनका पूरा नाम है सालिम
मोइनुद्दीन अब्दुल अली, लेकिन आप सिंपल समझो शॉर्ट में सालिम अली, क्या बोलेंगे? तो इंडिया के बर्ड मैन कौन है? सालिम अली। अब समझिए, आपने आसपास कई तरह के पक्षी देखे होंगे, अभी आपको दिखाया ना ढेर सारा पक्षी, तो आपने अपने आसपास कई तरह के पक्षी देखे होंगे, आपने आसपास देखिए कई तरह के पक्षी देखे हैं। ये आपका हो गया क्या? इंडियन रॉलर, क्या है जिसको बोलते हैं नीलकंठ। यहाँ पे हो गया फाख्ता, यहाँ गौरैया है, ये कौन सा पक्षी है? स्पैरो। ये कौन सा है? कौन सा पक्षी है? बुलबुल, नाइटिंगल, क्या बोलते हैं? नाइटिंगल। ये कौन सा है? टेलर बर्ड। तो हम लोग अपने घर के आस पास अलग अलग तरह के पक्षियों को देखते हैं, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक रंग के। यहाँ देखिए, हर पक्षी का रंग अलग अलग है कि नहीं है? हर, आप लोग बोलिए सबको जोर से, हर पक्षी का रंग अलग अलग है। कुछ रंग बिरंगे हैं तो कुछ एक ही रंग के हैं। इनके घोंसले, इनके भोजन आदि में भी बहुत सारे अंतर होते हैं। जो सामने आप लोग पक्षी देख रहे हैं, और ऊपर कीजिए, जो सामने पक्षी देख रहे हैं, सभी पक्षी का घोंसला एक जैसा होगा कि अलग अलग? इनका जो खाना खाने का तरीका है, या जो इनका भोजन है, इनका जो खाने का आइटम्स है, सब लोग एक ही चीज़ खाएंगे कि अलग अलग खाएंगे? इस पाठ में हम पक्षियों के बीच के अंतरों को थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं, तरह तरह के पक्षी, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे हम लोग अलग अलग पक्षियों के बारे में जानेंगे। देखिए, पक्षियों की चोंच उनके खाने की आदतों और रहने के तरीके से हिसाब से अलग अलग होती हैं। क्या सभी पक्षियों का जो चोंच होता है एक ही जैसा होता है? अलग अलग पक्षियों के चोंच भी क्या होते हैं? क्यों अलग होते हैं? क्योंकि हर एक पक्षी के खाने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। उनका खाने का तरीका, वो जो खाना खाते हैं, उनको अलग अलग जगह से मिलता है। अच्छा, देखिए, चोंच को बोलते हैं हम लोग बीक, हिंदी में बोलते हैं चोंच, बोलते ना है हिंदी नाम क्या हो गया? चोंच। और चोंच का इंग्लिश होता है बीक, क्या बोलते हैं? बीक, बी ई ए के, बीक मतलब चोंच, या बोलते हैं बिल, याद रखना बीक, बिल। एक और नाम है रोस्ट्रम, क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम, आर ओ एस टी आर यू एम। देखिए, आपको बर्डन नहीं दे रहे हैं, आपको जो आसान लगे आप याद कीजिए। हिंदी हो गया चोंच, ये पक्षी का क्या है? ये चोंच है। इस पक्षी का चोंच क्या है? ये है। तो देखिए, सामने जो पोस्टर देख रहे हैं, सबका चोंच एक जैसा कि अलग अलग है? इस पक्षी का नाम है अस्पून बिल, क्या नाम है? अस्पून का मतलब होता है चम्मच, देखो चम्मच लग रहा देखने में, तो इस पक्षी का नाम है अस्पून बिल, क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बिल? बिल का मतलब भी क्या होता है? चोंच। देखिए, चोंच को इंग्लिश में बोलते हैं बीक, बी ई ए के, बीक मतलब चोंच, और बिल मतलब भी क्या होता है? चोंच, बी आई डबल एल, और रोस्ट्रम मतलब भी क्या होता है? चोंच। आपको जो आसान लगा आप याद कीजिए कि बी ई ए के बीक मतलब चोंच, बिल मतलब चोंच, रोस्ट्रम मतलब चोंच। आपको जो मीनिंग आसान लगा आप उसको याद कीजिएगा। अब सामने जो पोस्टर देख रहे हैं, ये कौन सा पक्षी है? कौन सा है? अस्पून बिल। क्यों? क्योंकि अस्पून का मतलब क्या होता है? चम्मच। देखिए, एस पी डबल ओ एन, स्पून मतलब चम्मच। तो इस पक्षी का चोंच चम्मच जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो ये कौन सा पक्षी है? अस्पून बिल। ये कौन सा पक्षी है? आ गया, ये कौन सा पक्षी है? ये कौन सा? क्रेन। क्रेन मतलब सारस, क्या है? सारस। देखिए, इसका चोंच अलग है कि नहीं है? ये दोनों का चोंच अलग है कि नहीं है? है कि नहीं अलग है? देखिए, यहाँ पास ये जो पक्षी है, ये है हमिंग बर्ड, क्या है? इसका हिंदी होता है गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड को हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। इसका चोंच अलग है कि नहीं है? ये दोनों पक्षी को मिलाएंगे, दोनों का चोंच एक है कि अलग है? इसका चोंच पतला है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि क्या करना है? फूलों का रस 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 कलेक्ट करना है, फूलों का रस चूसना है, नेक्टर कलेक्ट करना है। अरे बात समझ में? तो ये पक्षी का चोंच पतला होता है और निकीला होता है, इसको पहचान रहे जी? कौन सा पक्षी जी? पैरोट। कौन है? तो इसका चोंच बाकी से अलग है कि नहीं है? इन दोनों का चोंच देखिए अलग है कि एक है? क्यों अलग है? क्योंकि दोनों का खाने का तरीका क्या है? अलग है। दोनों का खाना क्या मिलता है? अलग अलग जगह से। दोनों अलग अलग खाना भी खाते हैं। तो पैरोट का जो चोंच है, पैरोट का जो बीक है, वो मुड़ा हुआ कि नहीं मुड़ा हुआ है? तो यहाँ पास पढ़ेंगे कि अलग अलग पक्षियों के चोंच क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखिए, चोंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीक। साथ बोलिए बीक, क्या बोलेंगे? बिल। रोस्ट्रम, मतलब तीन अलग अलग नाम से बोलते हैं। बीक भी बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं, और रोस्ट्रम भी बोलते हैं। तो चोंच होता क्या है पक्षियों में? चोंच होता क्या है? देखिए, एक बाहरी शारीरिक संरचना है।
चोच जो है वो पक्षी के शरीर के अंदर की बाहर है, कहाँ है? तो चोच जो है पक्षियों में एक बाहरी शारीरिक संरचना होती है जो पक्षियों में पाई जाती है। पक्षियों के अलावा कुछ डायनासोर थे, देखिए डायनासोर का दो कैटेगरी है, एक डायनासोर जो पक्षी जैसा उड़ते थे, क्या करते थे, और एक डायनासोर जो आपके एनिमल्स थे, जानवर थे। तो पक्षियों के अलावा डायनासोर्स में जो डायनासोर्स जो एवियन थे, मतलब जो उड़ते थे पक्षी जैसा, उनके पास भी चोच पाया जाता है। और कछुओं में, मतलब बहुत सारे ऐसे कछुआ होते हैं जिनके पास चोच होता है। आप लोग के जानकारी के लिए बता रहे हैं, पक्षी में तो चोच होता है, लेकिन पक्षियों के अलावा कौन से और हैं जिनमें चोच होता है? तो कछुओं में, किसमें होता है? साथ ही साथ डायनासोर में, सारे डायनासोर में नहीं, डायनासोर दो तरह के होते हैं, एक जो उड़ते हैं और एक जो उड़ते नहीं। तो जो उड़ने वाले डायनासोर थे, देखा मूवी में, कार्टून में देखा है, तो जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनके पास भी क्या था? चोच। कोई दिक्कत? चोच जो है आकार में, आकृति में और बनावट में, देखिए जो यहाँ चोच है, सारे चोच जो होंगे, ये दोनों चोच का आकार अलग है कि नहीं है? ये दोनों चोच है, रुको रुको, ये दोनों चोच का आकार अलग है कि नहीं है? है अलग अलग आकार, आकृति अलग है, रंग अलग अलग है। अब समझिए, चोच का पक्षी इस्तेमाल क्या में करते हैं? जैसे मान लो ये पक्षी है, हमिंग बर्ड है, तो ये अपने चोच का इस्तेमाल क्या में करेगा? तो चोच मारने, देखते हैं आप लोग, दो पक्षी लड़ता है आपस में, चोच मारता है। गाँव में मुर्गा को लड़ते हुए देखे हैं? दो मुर्गा या मुर्गी को लड़ते हुए देखे हैं? तो पक्षी अपने चोच का इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं? तो एक दूसरे पक्षी को चोच मारने के लिए, भोजन की तलाश करने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए, भोजन खाने के लिए, वस्तुओं का हेर फेर करने के लिए, और बच्चों को खिलाने के लिए। जो कबूतर वगैरह होते हैं, जो बड़े पक्षी होते हैं, या जो ऐसे पक्षी जो घोंसले में रहते हैं, यहाँ तक कि मुर्गी वगैरह भी, तो पक्षी अपने बच्चों को खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? तो छोटे छोटे बच्चों को क्या से खिलाते हैं? तो कोई पूछेगा आपसे कि चोच का इस्तेमाल क्या में करते हैं? तो चोच का इस्तेमाल करते हैं दूसरे पक्षी को चोच मारने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए, भोजन खाने के लिए, और बच्चों को खिलाने के लिए। और एक और होता है प्रीनिंग, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलिए? प्रीनिंग। क्या बोलते हैं? प्रीनिंग का मतलब समझते हैं, मतलब चोच का इस्तेमाल पक्षी करते हैं प्रीनिंग करने के लिए। आप देखें किसी पक्षी को अपने चोच से शरीर को साफ करते हुए, मुर्गी वगैरह को या कौवा को भी, कि अपना चोच से पंख साफ करता है, गंदे पंख को ठीक करता है, जो पंख उलझ जाता है उसको सही करता है, तो उसको प्रीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? तो प्रीनिंग करने के लिए भी पक्षी अपने चोच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है कि अलग अलग पक्षियों के चोच अलग होते हैं। तो पहला इमेज किसका है यहाँ पे, कौन है? गौरैया, क्या है? तो कुछ पक्षियों की चोच ऐसी होती है कि वो फल और बीज चुग कर खा सकते हैं। मतलब जो पक्षी हैं, देखिए कुछ पक्षियों का चोच, ये गौरैया पक्षी कौन है? तो इनका चोच देखिए, चोच दिखा, तो इनका चोच क्या छोटा कि नहीं छोटा है? तो इन पक्षियों का जो चोच छोटा होता है, ये होता है ताकि फल को और बीज को चुग कर, चुग मतलब चुन कर क्या कर सकें? खा सकें। मतलब जमीन पर से लोग चुगते हैं, तो कुछ पक्षियों के चोच छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? बीजों को चुनने के लिए। देखिए यहाँ जो चोच है किसका है? बाज का। किसका है? बाज बोलते हैं, ईगल मतलब बाज, या हॉक, चील बाज बोलेंगे। तो ऐसी चोच मांस को चीरने फाड़ने में काम आती है, जो मांस होता है उसको चीरने फाड़ने में काम आती है। तो इस तरह का चोच किसका होता है? मांस खाने वाले पक्षी का। कुछ पक्षी मिट्टी में से कीड़े खोद कर निकालते हैं, उनकी चोच ऐसी होती है, जो क्या करेंगे? मिट्टी में से कीड़े को निकालते हैं। कुछ पक्षी दिखाएंगे अभी विषय में, कुछ पक्षी फूलों का रस पीते हैं, क्या करते हैं? फूलों का रस। देखिए ये पक्षी जो हमिंग बर्ड है, क्या का रस पी रही है? तो इनका चोच अलग है। कुछ पक्षी मछली खाते हैं, क्या खाते हैं? बत्तख को देखें आप लोग, या स्पूनबिल भी, क्या खाता है? मछली। तो उनकी चोच क्या होगी? बत्तख का चोच क्या होगा? अलग होगा। और बत्तख के चोच में देखिए, इस तरह रहता है चोच, और उस पर रहता बना छेद, बत्तख के चोच में छेद होता है, ताकि यहाँ से पानी कहाँ निकल जाए? बाहर। और मछली कहाँ चल जाए? अंदर। और तोता का चोच देखे हैं, ये किसका चोच है? तोता का।
तोता क्या है? तो तोता का जो चोच होता है वो होता है हुक के आकार में, हुक ऐसा देखे हैं हुक कांटी हुक होता है, तो चोचा तोता का जो चोच है वो कैसा होता है बोलिए कैसा? हुक के आकार का, ताकि वो फूलों का क्या निकाल सकें, फलों का, देखिए फलों का क्या निकाल सकें, गुद्दा। तोता फल खाता है तो फल का गुद्दा निकालने के लिए, फल खाने के लिए तोता का चोच कैसा होता है? हुक जैसा। कैसा होता है? देखिए ये सारा सा क्या है, इसको बोलते हैं क्रेन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सारस। तो इनकी चोच लंबी और नुकीली, इस पक्षी का चोच लंबा है, लंबा है जी, आगे से नुकीला है, तो कैसा लंबा और नुकीला, क्यों है? ताकि कीचड़ में घुसकर, कहां घुसके? कीचड़ में घुसकर भोजन की तलाश कर सकते हैं। देखिए इसका चोच क्या है, लंबा और नुकीला, ताकि कीचड़ में घुस के क्या कर सके, अपने भोजन को निकाल सके। अब बात करते हैं स्पून बिल का, किसका बात करेंगे, कौन से पक्षी का? जिसका हिंदी नाम होता है चम्मच चोच, बोलिए साथ में चम्मच चोच। इनकी चोच चपटी होती है और खुली रहती है, और शिकार जब ढूंढ लेता ना है, ऐसे चोच रखता खोल के, देखो अभी तो बंद, ऐसे रखता खोल के, और जब शिकार आया मिला तो चोच क्या कर लेता है, बंद। कौन? स्पून बिल। कौन है? और ये जो है कौन सा पक्षी है, दर्जिन पक्षी। कौन सा है? कौन सा पक्षी है? टेलर बर्ड। इनकी चोच घुमावदार नोक के साथ तेज सिलाई के लिए, मतलब इसका चोच जो है वो सुई जैसा होता है पतला, क्या करने के लिए? सिलाई करने के लिए। अब हम लोग का देखो नेक्स्ट टॉपिक है तरह तरह के पंजे। तो जिस तरह से अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, पक्षियों का रंग अलग होता है, आकार अलग होता है, उनके चोच अलग होते हैं, उसी तरह से पक्षियों के पैर के पंजे भी क्या होते हैं, सब पक्षियों के पंजे, सभी पक्षियों के पंजे भी चोच की तरह एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे पक्षियों के अलग अलग तरह के चोच होते हैं, तो पैरों के पंजे भी क्या होते हैं, पंजों की बनावट से पक्षियों के वास स्थान, देखिए वास मतलब निवास, कि पक्षी का पंजा देख के आप बता सकते हैं कि वो पक्षी कहाँ रहता होगा। अरे बात समझ में, अगर तुमको हम पूरा पक्षी ना दिखाएं, जैसे यहाँ देखो ये पक्षी किसका पंजा है, बत्तख का, तो बत्तख रहता है पानी में, तो कैसे जान गए, जो रहते हैं पानी में उनका जो पैर होता है वो होता है वेब्ड फीट, वेब्ड का हिंदी हो गया झिल्लीदार। बत्तख का जो पैर का उंगली है वो अलग अलग है, अलग अलग है जी, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, झिल्ली, क्या है, क्या में हेल्प करेगा, क्या करने में, तैरने में। तो पक्षियों के पैर को बनावट को देख के, पैरों की बनावट को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी पक्षी कहाँ रहती है। देखिए यहाँ जो पंजा है इसको देखो, प्रिंट दिखाते हैं, ये पंजा यहाँ का दिखाएं, यहाँ बुक में है ना, यहाँ पास इसको यहाँ देखो, तो ये कौन से पक्षी का पंजा है, ईगल। तो इस तरह का पंजा होता है वैसे पक्षियों का जिनको पेड़ पे मजबूती से बैठना होता है, जिन पक्षियों को पेड़ की डाली को मजबूती से पकड़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ का डाली है, क्या पेड़ का डाली, ठीक है, और इसको पकड़ना है, तो इस तरह का पंजा होगा। आ रहा बात समझ में, किसका, जिनको कहाँ बैठना है, पेड़ पे। तो पेड़ की डालियों पर बैठने वाले पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। आ रहा समझ में। और ये जो है आपका, ये जो पंजा है ये शिकार पकड़ने के लिए, क्या के लिए है, तो दोनों सेम है। देखिए यहाँ पास शिकार पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पे बैठने के लिए भी, जैसे चील का, किसका है, चील, ईगल का है। तो जिनको शिकार पकड़ना होता है, आप लोग देखे हैं गाँव में कि चील आती है और उठा ले जाती है मुर्गी के बच्चे को, देखे हैं मुर्गी के छोटे छोटे चूजे को, छोटे छोटे बच्चे को कौवा और चील उठाते हैं, तो क्या में उठाते हैं, चोच में कि पैर में, पैर में। तो इस तरह का पैर किसका होता है, चील का, क्या करने के लिए, किसको पकड़ना है, किसको पकड़ना है, शिकार को, जोर से बोलिए किसको, अच्छा यहाँ जो है ऐसे पंजे पानी में तैरने वाले पक्षियों के होते हैं। देखिए ये जो पंजा है वो किसका है, पानी में तैरने वाले बत्तख का, पक्षियों का। तो पहचान क्या है, इनका पंजा का जो कि जो अंगुली है ना वो अलग अलग नहीं रहता है, सब में क्या लगा हुआ है, झिल्ली, जो क्या में हेल्प करता है, तैरने में। और ये पंजे जमीन पर चलने के लिए है। देखिए ये जो पंजा दिख रहा है ये कौन सा बर्ड है, सारस, क्रेन। कौन है, तो जिनको जमीन पर चलना होता है उनका पैर इस तरह का होता है। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत,
यहाँ पास पेज नंबर 84 में कुछ पक्षियों का चित्र दिया हुआ है और देख के बताना है कि ये पक्षी क्या खाते होंगे और कहाँ रहते होंगे। पहला कौन सा पक्षी है जी? चील। ईगल। ये कहाँ रहता है? पेड़ पे, आसमान में। ज्यादातर टाइम चील कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे क्यों जो है चील जो है दोपहर में उड़ते हैं और शाम होते ही 4 बजते ही 5 बजते ही चील कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नीचे आते हैं। उसका कारण कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में, मतलब 8-9 में पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि चील जो है दोपहर में ही उड़ते हैं। रात में उड़ता है चील? रात में उड़ता है। तो ये जो चील है वो अक्सर रहता है कहाँ पे? आसमान में, पेड़ों पे। क्या खाते हैं? तो अपने से छोटे पक्षियों का क्या करते हैं? वो शिकार करते हैं। ये कौन सा पक्षी है? बत्तख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक। डी यू सी के डक मतलब बत्तख। तो ये कहाँ रहते हैं? पानी में। रात में रहते हैं पानी में? नहीं, रात में घर में आते हैं, दरबा में रखते हैं। लेकिन बत्तख जो हैं अपना अधिकतर टाइम कहाँ बिताते हैं? पानी में। तो इनका पैर क्या होगा? वेब्ड, मतलब झिल्लीदार। क्या बोलेंगे? देखिए वेब्ड फीट, डब्ल्यू ई डबल बी ई डी, वेब्ड। क्या बोलेंगे? वेब्ड फीट। और झिल्लीदार पैर होगा। क्या खाते हैं? तो मछली को खाते हैं, पानी में रहने वाले कीड़ों को खा सकते हैं। हर बात समझ में? और ये कौन सा बर्ड है? जोर से बोलिए। पिजन मतलब कबूतर। तो कबूतर कहाँ रहते हैं? तो हम लोग के घर में भी रहते हैं, पेड़ों पे भी रहते हैं। क्या खाते हैं? दाना खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। पेज नंबर 85 पे पहेली क्या है? पहेली। अच्छा, ये कौन सा बर्ड है जी? हिरोन। जोर से बोलो। हिरोन मतलब बगुला। ये कौन सा बर्ड है? कॉक मतलब मुर्गा। और यहाँ कठफोड़वा है, ठीक है, वुड कटर बोल सकते हैं या वुड पिकर जो है। कठफोड़वा क्या है? तो अब सुनो, पहेली है, सुंदर सुंदर कलगी मेरी। कलगी मतलब अभी सिर पे जो आप कराता है, खींचती है सबका ध्यान। कलगी जो होता है पक्षियों के सिर पे ताज ऐसा बना हुआ, तो उसको बोलते हैं कलगी। तो पहली है, सुंदर सुंदर कलगी मेरी, खींचती है सबका ध्यान, चोच मेरी ताकतवर है, पेड़ छेदना मेरा काम। तो पेड़ में छेद कौन करता है? कठफोड़वा। सेकंड पहली, लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। कौन होगा? बगुला। सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम। मुर्गा। यहाँ पर चैप्टर क्या हो गया? खत्म। आप लोग को समझ? जोर से बोलिए, समझ में आया? दैट्स ऑल, थैंक यू।